दोस्तों, कंगना और जया बच्चन के लड़ाई के बाद अब आए हैं रणवीर शौरी कंगना के सपोर्ट में। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट करके दिया है जया बच्चन को एक करारा जवाब। वेल, मैं आपको बताने वाली हूँ आखिरकार उन्होंने क्या ट्वीट किया है। जी हाँ, उनका कहना था कि थालियां सजाते हैं ये अपने बच्चों के लिए। जी हाँ, जो सेलिब्रिटी स्टार किड्स को के लिए अपने ही बच्चों को लॉन्च करते हैं, जो नेपोटिज्म कहा जाता है, तो उनका कहने का यही मतलब था कि ये अपने बच्चों के लिए थालियां सजाते हैं और हम जैसों को उन्होंने कहा कि फेंका जाता है टुकड़े। जी हाँ, मतलब जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो वो वैसे ही बात हो गई कि जैसे कि हमको सामने से काम नहीं मिलता, हमको जो है वो खुद स्ट्रगल करके आना पड़ता है। तो जैसे कि हमको टुकड़े फेंके हैं और हमको उस पर आगे बढ़ना है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, अपना टिफिन खुद पैक करते हैं, काम पर जाते हैं हम। उन्होंने ये भी कहा कि वेल, वो खाना बनाते भी हैं और उसके बाद पैक करते हैं और उसे लेके वो काम पे भी जाते हैं। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने कुछ दिया नहीं है, जो है वो है, जो ये लोग हमसे ले नहीं सके। उन्होंने ये चीज़ें खुद कही है ट्वीट में। और जहाँ पर लास्ट लाइन उन्होंने ये कहा है कि इनका बस चलता तो वो भी अपने ही बच्चों को दे देते। जी हाँ, उनके कहने का मतलब था कि थोड़े बहुत जो एक्टर्स हैं जो बाहर से आए हैं, उनको मौका मिला है तो उन्होंने वो खुद ही खुद को प्रूफ किया है, खुद के दम पर प्रूफ किया है। लेकिन अगर सेलिब्रिटीज़ का जो बस चलता तो जो उनके टैलेंट को मौका मिला है वो भी कहीं उन्हीं स्टार किड्स को मौका मिलता और जो है पूरा इंडस्ट्री में बाहर वाले लोगों को कोई भी तवज्जो नहीं दिया जाता और कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता और ना कि कभी ये लोग आगे बढ़ पाते हैं, ना इनका नाम बनता। तो जी हाँ, ये करारा जवाब जो था ये रणवीर शौरी ने दिया जया बच्चन को। दोस्तों, क्या कहना है आपको? क्या रणवीर शौरी की बात से आप लोग सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि रणवीर शौरी ने कंगना का सपोर्ट करके सही किया? और उनकी एक एक बातों पर आपका कितना तवज्जो है या आपको क्या लगता है कि कितना सही कहा है उन्होंने, आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। एंड वेल, अब देखना होगा कि क्या जया बच्चन इसका भी जवाब देंगी, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने रवि किशन का जवाब दिया कंगना के चीज़ों पर, वो बातों पर भड़की, कंगना के स्टेटमेंट्स पर भड़की, जो जो उन्होंने स्टेटमेंट और कमेंट पास किया था, तो क्या अब वो रणवीर शौरी पर भी कोई रिएक्शन देंगी? वेल, ये सारी चीज़ें होंगी देखना आगे कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। लेकिन आप लोग ऐसे ही बने रहिए सारे अपडेट्स के लिए।